धनबाद में छात्रों पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार की ओर से लाठीचार्ज करने के बाद बीजेपी के विधायकों ने कड़ा विरोध किया है। जिस तरह बेरहमी से छात्रों को लाठीचार्ज किया गया वह सही नहीं कहा जा सकता। वही लाठीचार्ज मामले में धनबाद के साथ पूरे प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। धनबाद में चार दिनों से आंदोलन कर रही 12वीं की फेल छात्राओं पर धनबाद डीसी कार्यालय में उस समय भगदड़ मच गई जब धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार खुद छात्राओं पर लाठी भांजने लगे। वहीं इस घटना के बाद धनबाद जिले के बीजेपी के विधायक छात्रों से मिले और मामले की पूरी जानकारी ली। वहीं घटना को लेकर सभी विधायकों ने एसडीएम को हटाने की मांग की है। बड़ी घटना है और थोड़ा विलम्ब कार्रवाई होनी चाहिए। जो दो अधिकारी छात्राओं पर लाठीचार्ज किया है और हमें लगता है कि ये सच्चाई है कि मानसिकता छात्राओं के प्रति, यहाँ के नौजवानों बेरोजगारों के प्रति क्या है, ये दर्शाता है। अविलम्ब ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाला समय जिस प्रकार से सरकार के सहारे पर, सरकार के सहयोग से इस प्रकार निर्दोष छात्रा पर जो लाठीचार्ज हुआ है बहुत दुखदायी घटना है, बहुत निंदनीय घटना है और कितनी भी निंदनीय किया जाए ये बहुत कम है। आज जो छात्र और छात्राओं के ऊपर ये लाठीचार्ज किया गया एसडीएम साहब की ओर से, ये बहुत निंदनीय घटना है क्योंकि उनका मांग था, बात बैठ के बात करना चाहिए था, उचित जो है उसको उस पर बात करके उनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि छात्र एवं छात्राओं के ऊपर भी। अभी हम लोग वीडियो देख के हम लोग को आश्चर्य लग गया कि इस तरह कैसे हो सकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं एसडीएम साहब किस तरह से उचित, ये कैसे होता है कि आंदोलन, ठीक है आंदोलन, वो अपना बात करने के लिए आए थे, बैठ के वार्ता के माध्यम से, बैठ के माध्यम से ही उसका समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि लाठीचार्ज से। अभी जो छात्राएं हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है और जो छात्र अरेस्टिंग हुए हैं, हम लोग अभी बैठक में हमने माननीय मंत्री जी और डीसी साहब से मांग की है कम से कम छात्र जो आप उससे अरेस्ट किए हैं उसको इमीडिएट छोड़ा जाए और जो छात्राएं अभी एडमिट है पीएमसीएच में उससे जाइए, मिलिए, संतुष्टजनक उससे बात कीजिए, आश्वासन दीजिए। और जो इस तरह से मतलब लाठीचार्ज किए एसडीएम साहब, हम क्योंकि ये हेमंत जी की सरकार, ये अपना अपना क्या सोच है इसे ये दर्शाता है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जो पदाधिकारी उस पर कार्रवाई। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले की घटना के बाद धनबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री धनबाद उपायुक्त को जांच का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि छात्रों के मांगों को वह जैक के समक्ष रखेंगे। जिन छात्रों को चोटें आई हैं उन्हें इलाज कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पकड़े गए छात्रों को भी छोड़ने को कहा गया है। देखिए एक चीज़ है कि मैं तो खुद ही आंदोलन से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं, और कितनी बार मैं मार खाया हूँ, जेल गया हूँ, और बच्चे जो हैं उनके साथ किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होता है परिस्थितिजनक, कभी कभी आदमी जो है कोई कोई कार्रवाई करता है। फिर भी हमने उपायुक्त धनबाद से कहा है कि आप इसकी जाँच करिए और जितने बच्चे अभी पकड़े गए हैं उन बच्चों को तुरंत जो है उनको रिहा करवा दीजिए और जो बच्चे अस्पताल में हैं उन बच्चों को तत्काल जो है इलाज की व्यवस्था कीजिए और बच्चे को जेल वगैरह भेजना उचित नहीं है जो है, और हमको सहानुभूति है, इसलिए हम लोग उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उन बच्चों को छोड़ने का भी काम करेंगे और जो बच्चे को थोड़ी बहुत चोट वोट यदि लगी है जैसा बोल रहे हैं तो उसका इलाज भी जो है हम लोग करवाएंगे और इसके लिए मैं जांच करवा दूंगा और यदि हमारे अनुमंडलाधिकारी ने भी यदि कुछ गलत किया है तो मैं जरूर कहूंगा कि बच्चों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए।
छात्राओं पर लाठीचार्ज करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं छात्राओं को एसडीएम की ओर से पीटा जाना बेहद ही शर्मनाक है। जब शासन में बैठे ऐसे अधिकारी छात्राओं और महिलाओं पर इस तरह से बेशर्मी दिखाते हुए लाठीचार्ज करेंगे तो ऐसे में इसका संदेश राज्य की जनता के पास क्या जाएगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति में एसडीएम पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।